जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। मैं हूं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं लाइट टू पिट। मैं तो बहुत अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। मैं खुद नहीं डाल रहा था, एक्चुअली मैं कुछ चीज़ों में बिजी था, इस वजह से मैं नहीं डाल पा रहा था। और ऐसे भी मैं बाहर भी नहीं जा पा रहा हूं जो ब्लॉग बना के डालूं। तो अब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक और चीज़ ऐड करने वाला हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वो क्या है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं यहाँ पे खोटा बहुत ज़्यादा चलता है। अगर कहा जाए तो झारखंड के 16 जिलों में लगभग खोटा बोली जाती है। ये मेरा नहीं कहना है, ये यहाँ के विद्वानों का कहना है, जो यहाँ पे बड़े बड़े खोटा कवि हैं, खोटा लेखक हैं, उस सब का कहना है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग को खोटा कुछ कुछ वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगे। कुछ कुछ पोएम जो है जो बड़े बड़े राइटर के लिखे हुए हैं वो सब मैं आप लोग को बीच बीच में सुनाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। अब ये क्यों ज़रूरी है भाई? ये ज़रूरी इसलिए है कि जैसा कि अभी जान रहे हैं कि झारखंड में तो खोटा के लिए तो पूरा बवाल मचा हुआ है। और ये देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है जिस तरह की क्षेत्रीय भाषा जो है खोटा चूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पहले क्या होता था कि लोग इसको थोड़ा सा बोलने में पढ़ने में भी कतराते थे, लेकिन अब के जो जितने भी स्टूडेंट हैं अभी आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि जैसे अभी एक्साइज कांस्टेबल जो निकला हुआ है उस पर अभी देखिएगा कि अभी हमको लगता है लगभग 70% स्टूडेंट का जो है क्षेत्रीय भाषा में आपका खोटा रखा गया है। इससे पहले जो एग्ज़ाम फॉर्म निकला हुआ था जेएसएससी सीजीएल उसमें भी लगभग 70-80% छात्रों का जो है लगभग ये क्षेत्रीय भाषा खोटा है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि अगर जो नए युवा लोग जो है इंटरेस्ट जितना दिखा रहे हैं ना खोटा के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये अग्रसर है और आने वाला समय में बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होने वाला है खोटा को। तो आज से जो है हम लोग है अब खोटा थोड़ा सा कुछ कुछ सीखेंगे। मैं भी कुछ सीख रहा हूँ और चाहूँगा कि आप लोगों के साथ सिखाऊँ। ऐसे तो रोज़ दिनचर्या में हम लोग तो खोटा आपस में घर के अगल बगल दोस्तों से जिससे भी मिलते हैं काका काकी सबसे खोटा में ही बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर भी बहुत अभी कमी है और हम लोग को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सीखिए, ताकि हमारा ये जो खोटा भाषा है ना, हम मतलब क्या बोलते हैं बाहरी संस्कार को सीखने के बजाय अगर हम खुद के संस्कारों को खुद के भाषा को सीखें तो हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही शानदार होगा। तो कुछ पोएम और कुछ कहानियाँ डालने से पहले मैं थोड़ा सा विस्तृत जानकारी मैं देना चाहूँगा खोटा के बारे में। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि खोटा कब से बोली जा रही है, तो खोटा बहुत पहले से बोली जा रही है। जैसा कि हम लोग सबको पता है कि यहाँ पे जो है एक साधारण जनजाति जो गैर जनजाति समुदाय है यहाँ की, जिसका प्रमाण मिलता है यहाँ पे झारखंड में रहने के लगभग 1000 से ज़्यादा सालों से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर इन सब का भाषा जो है जो झारखंड में मुख्यतः जो बोली जाती थी वो चार प्रकार के इनके भाषाएँ थे। वो कौन कौन से थी? एक खोटा था, दूसरा नागपुरी था, तीसरा आपका कुरमाली था और चौथा था आपका पंचपरगनिया। ये चार भाषाएं जो है सदानों के समय से लगभग मतलब 1000 साल पहले से ही यहाँ पे बोली जा रही है। लेकिन ये लिखा हुआ कहीं नहीं था, लेकिन अब हाल फिलहाल से जो है मतलब कुछ सालों से जो है लिख करके अब बुक में और पेपर वगैरह में प्रकाशन होने लगा। अगर इसके आगे हम लोग अगर बात किया जाए तो अगर ये कहा जाए कि ये किस किस परमंडल में बोला जाता है, जैसा कि हम लोग को पता है कि झारखंड को 5 परमंडल में डिवाइड किया गया है। 5 परमंडल में लगभग यहाँ पे 3 परमंडल ऐसे हैं जहाँ पे खोटा पूरी तरह से बोली जाती है। लेकिन खोटा भी बोली जाती है, लेकिन खोटा भी अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है। हर एक क्षेत्र में जो है अलग अलग तरह से खोटा बोली जाती है। पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ के झारखंड के 3 कौन कौन से ऐसे परमंडल है जहाँ पे खोटा बोली जाती है। तो एक है हमारा उत्तरी छोटा नागपुर जो हमारा हजारीबाग का क्षेत्र आ जाता है, दूसरा है संताल परगना जो कि आपका जो है आपका गोडा साहिबगंज वगैरह का क्षेत्र आ जाता है, तीसरा है आपका है पलामू परमंडल। ये 3 ऐसे परमंडल है जहाँ पे खोटा अधिक मात्रा में बोली जाती है। ये 3 परमंडल को मिला करके लगभग 16 जिले ऐसे हैं जहाँ पे जो है खोटा अस्तित्व में है और बोली जाती है। लेकिन खोटा बोली तो जाती है इन क्षेत्रों में, लेकिन अलग अलग कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा प्रभाव अलग भाषा का दिख जाता है। अब इसमें कौन कौन से भाषा का दिख जाता है वो मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। अगर खोटा भाषा की बात किया जाए तो इसके जो है 6 क्षेत्रीय भेद हैं। अब 6 क्षेत्रीय भेद कौन कौन से वो मैं अभी आप लोग के साथ बताने वाला, तो आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। पहला है आपका सिखरिया, दूसरा जो आता है वो आता है गुलवारी, तीसरा आता है आपका रमगढ़िया, चौथा आपका देसावली और पाँचवा है आपका जो है पारनदिया या फिर उसको हजारीबगिया भी बोला जाता है, और छठा जो आता है वो आता है आपका संताल परगनिया। अब इस सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देखते हैं कि डिटेल इसलिए देखना ज़रूरी है कि आखिर किस किस क्षेत्रीय इन जो 6 क्षेत्रीय भेद जो हैं वहाँ पे किस किस और अलग भाषा का प्रभाव देखने को मिल जाता है।
अगर हम लोग सिखरिया का अगर बात किया जाए तो सिखरिया जो है ये बंगाल से सटे हुए बॉर्डर की तरफ बोला जाता है, जैसे कि आपका बोकारो हो गया, जेना मोड़ वगैरह हो गया, ये सब तरफ जो है आपका जो है लगभग आपका ये सिखरिया भाषा देखने को मिलता है। सिखरिया भाषा में क्या होता है, थोड़ा बहुत जो है इसमें बंगाली का जो है प्रभाव पड़ जाता है और इस कारण इसे सिखरिया का नाम दिया गया है। दूसरा अगर हम लोग बात किया जाए तो दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं वो है गुलवारी। तो गुलवारी जो है, अभी गुलवारी जो है गुलवारी मिलता जुलता है, मतलब थोड़ा बहुत इसमें भी बंगला का प्रभाव आता है। और गुलवारी जो है इसको यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक बोला जाता है इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। गुलवारी आपको पटरवार से लेकर गोला प्रखंड का जितने भी क्षेत्र आते हैं, फिर से एक बार सुन लीजिएगा, गुलवारी जो है गोला से पटरवार से लेकर के गोला प्रखंड का जितने भी क्षेत्र आते हैं वहाँ पे लगभग गुलवारी बोली जाती है। इसके बाद अगर हम लोग रामगढ़िया की बात किया जाए, तीसरा जो है रामगढ़िया की अगर बात किया जाए तो ये गोला से लेकर समस्त आपका जो है ये पतरातू प्रखंड जो है, मतलब पतरातू प्रखंड तक जो है लगभग ये रामगढ़िया भाषा बोली जाती है, रामगढ़िया खोटा बोली जाती है। चौथा पॉइंट देशावली। अगर देशावली के बारे में बात किया जाए तो इसमें मगही और भोजपुरी का जो है आपका कुछ कुछ शब्द पाए जाते हैं। और इसका अगर क्षेत्र कहा जाए तो ये कहाँ से है, तो ये पतरातू प्रखंड से लेकर के पतरातू प्रखंड के पश्चिमी साइड से लेकर के पूरा गढ़वा तक के क्षेत्र में ये जो है आता है। अगर इसको कहा जाए तो ये पलामू प्रमंडल में आता है। और इसमें जो है आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, मगही और भोजपुरी। मगही भोजपुरी क्यों मिल जाता है वो मैं अभी बताता हूँ, क्योंकि गढ़वा जो है आपका देखिएगा उधर जो है आपका बिहार को भी छूता है और यूपी को भी छूता है, तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है आपका थोड़ा बहुत भोजपुरी और मगही का अंश इसमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पारनदिया। पारनदिया के बारे में बात किया जाए तो पारनदिया या फिर इसको हजारी बगिया भी हम लोग बोल सकते हैं, तो इसमें जो है थोड़ा बहुत मगही का जो है वो अंश मिल जाता है। मगही का अंश मिल जाने के कारण ये जो है आपका कहाँ कहाँ बोला जाता है, ये आपका हजारीबाग और चतरा में ज़्यादातर ये फेमस है, मतलब हजारीबाग और हम लोग जो हजारीबाग से बिलोंग करते हैं और हजारीबाग और चतरा में देखिएगा तो हम लोग के खोटा भाषा में जो है कहीं ना कहीं मगही का थोड़ा बहुत सब मिल ही जाएगा। और लास्ट हम लोग छठा पॉइंट की अगर बात किया जाए तो है संथाल परगना। संथाल परगना की अगर बात किया जाए, संथाल परगना में जो है आपका इसमें जो है संथाल परगना में जितने भी ज़िले आते हैं उन सारे ज़िलों में जो है क्या होता है इसके अंतर्गत आ जाते हैं, संथाल परगना के अंतर्गत आ जाते हैं। और संथाल परगना में जो किस क्षेत्र का जो है किस अलग भाषा का प्रभाव मिलता है वो मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। उसमें जो है आपका मैथिली और अंगिका प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोग को वीडियो पे बताया कि आखिर हम लोग जो है खोटा भाषा को जो सीख रहे हैं या फिर हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हम लोगों ने जाना कि किन किन क्षेत्रों में किस टाइप का खोटा बोला जाता है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट जो अब जो मेरा वीडियो आएगा उस वीडियो पे आप लोग को देखने को मिलेगा कि खोटा के जो कुछ कुछ बुक हैं उससे मैं आप लोग को कुछ पोएम और कुछ कहानियाँ सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो को भी मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा।